लेते हैं। और ये वाला भैया बेसन चूरमा है ना, ये चूरमा है ना दोनों। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो इतनी भीड़ में हम मतलब अब पैदल चलना पड़ रहा है हमको, बताओ। यहाँ से गाड़ियाँ जा रही है वो ऐसे बोल रहे हैं फ्री सेवा, क्या बोल रहे हैं वो फ्री सेवा, मतलब जो गाड़ी आ रही है ना वो फ्री में ले जा रही है आपको मंदिर तक। तो हम जा रहे हैं, भेजा उन्होंने। अच्छा दूर है यार, ऐसे तो यहाँ से तो दूर है, दूर है यार, काफी चल जाऊंगी बस। सिर्फ हमारे साथ एक खानेदार होने की वजह से अब हम यहाँ से पैदल चलेंगे। अरे मैं पता कितना कंफ्यूज हो गई, मतलब वहाँ पार्किंग में जाके फिर मैंने बोला मंदिर, मैं पता कैसे दिख रही हूँ, एक वो बोलता पैदल जाना पड़ेगा मैडम, मैंने बोला अच्छा। फिर पता चला कि मतलब पार्किंग वार्किंग फुल होगी। तो पहली बार आई है क्या? नहीं, तभी मैं बोल रही हूँ कि पहली बार नहीं आई हूँ, इसलिए मेरे को लग रहा था कि मंदिर कहाँ चला गया। नहीं, तो पार्किंग और जैसे मंदिर के पास में पार्किंग है, ठीक है, और पार्किंग से बिल्कुल तो मंदिर है। हाँ बिल्कुल, ये तो मैंने सोचा। यार ये वैसी जगह बहुत सुंदर है ना, शाम के टाइम तो ठंडी ठंडी हवा। हाँ वो वैष्णो देवी उसमें जाते ना। तभी मैं कंफ्यूज होगी, मैं आती रहती थी ना, जैसे हम कभी यहाँ पे आ गए क्या बोलते संडे को रोल कॉल में, फिर मैं यहाँ आती थी क्या बोलते बोले कि हनुमान जी। तो मैं ये वाला पार्किंग सोचा था मैंने, हाँ ये वाला, ये जो जा रहा है ये वाला। हाँ फिर मैंने सोचा मंदिर कहाँ चला गया भाई, नीचे से इतना पैदल चलना पड़ रहा है। है कोले के हनुमान जी मंदिर, और मैंने ये वाली पार्किंग सोची थी नीचे, इस वाली पार्किंग में पहले आई थी ना। पर है तो काफ़ी भीड़ यार वैसे। हाँ है, बेटी है प्रांजल दैया। प्रांजल हेलो कर दो, हेलो कर दो। ट्रेन से ठीक है, यहाँ पे यहाँ से आप मिठाई ले सकते हो और अपने जूते चप्पल यहाँ उतार के आप मंदिर के दर्शन कर सकते हो, ठीक है। और ये है कोले के हनुमान जी का मंदिर, और ये आप लाइव दर्शन भी बाहर से कर सकते हो, दिख नहीं रहा है रोशनी ज़्यादा होगी। ये है हनुमान जी का मंदिर, यहाँ से एंट्रेंस है, और हमें जाना है 13 नंबर रसोई में, जहाँ हमारा वो है क्या बोलते हैं उसको, पानी बता रही है, बताओ यार खाना है तो आज तो सही दे यार। ये जिम रहे हैं यहाँ पे। क्या क्या है बताओ, हम तो खा लिया। देखो वैसे हमारी प्लेट में आपको कुछ नहीं दिखेगा, अभी ये मेरी प्लेट लगेगी। राजस्थान का स्पेशल खाना है, दाल बाटी का है, दाल है, बाटी है, मसाला बाटी है, कढ़ी है, चावल है, क्या है बताओ, क्या है मतलब हम क्यों कहाँ पे आइए बताओ। श्रीमान हरपुर जी सर, बोले गए हनुमान जी। हाँ ठीक है, अब हम मतलब क्या खाएंगे, आज हम बहुत अच्छा खाना खाने वाले हैं। बताएंगे हम कि मतलब ये सोमवारी होती है उसमें क्या क्या मिलता है खाने के लिए, ठीक है। तो दिखाती हूँ मैं आपको कि क्या क्या मतलब राजस्थानी डिश क्या क्या मिलता है। ओके चुकी प्लेट भैया, क्या है ये चूरमा, ये है चूरमा, इसमें मतलब ये कलरफुल चूरमा, गुलाल भात, गुलाब भात, अच्छा ये गुलाब भात है। और ये वाला भैया बेसन चूरमा है ना, ये चूरमा है ना दोनों, मतलब मैं हिमाचल से हूँ ना, मुझे इतना पता नहीं है। तीन चूरमे, हाँ ये गुलाब 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 चूरमा, और ये बेसन, और ये है जो चूरमा जो मतलब मैं खाया हुआ है, मतलब ये वाला चूरमा। तो ये भाटी, ये मसाला भाटी है ना, ये सादा है, अच्छा। और ये दाल है, इसको खाना नहीं आता है क्योंकि ये खाती नहीं। ये पूजा जी आपको भी नहीं खाना आता? हाँ मुझे भी नहीं आता है। उधर भी फोटो खींच रहे हमारे, कटिंग से खाती हूँ क्या खाते हुए। ये है मसाला बाटी, अच्छा एक और डालेगा क्या, कड़ी है, कड़ी कड़ी है, ये कड़ी ये भी
ये मसाला भाटी, ये भाटी और अंदर क्या है, ये क्या है, ये हरी मिर्च, हरी मिर्च, ठीक है ओके। ये है चूरमा, ये बेसन का चूरमा, ये गुलाब का चूरमा और ये कढ़ी है और ये दाल, ये खाते हैं ठीक है। राजस्थान में मतलब जो स्पेशल डिश होती है ना यही बनती है, कभी भी कोई फंक्शन होगा ये तो बनेगा ही बनेगा। अंता बताइए कैसा है, टेस्टी है ना, बहुत ज़्यादा। ये बेसन वाला तो बहुत टेस्टी है, गुलाब वाला देखती हूँ मैं। पूरा ऐसे गुलाब का फ्लेवर आ रहा है, बहुत टेस्टी है। हेलो लक्की जी, कैसे हो? लक्की भी ऐसे कितने कितने टाइम तक, आधे घंटे तक है ना गीता जी की वीडियो देख के। ये है गीता जी के राम। गीता जी आपकी तो हमेशा गुच्छी होती रहती है हर जगह। मेरे को सबसे अच्छी आइसक्रीम लगती है। आइसक्रीम नहीं है, कुल्फी है ठीक है। हेलो गाइस, मेरे तो पकड़ो भैया, टिश्यू दे दो प्लीज। अब तक तो इनको आइसक्रीम खानी नहीं आती थी, अब इनकी आइसक्रीम, मेरी आइसक्रीम मिल गई यार, ये गीता जी की वजह से। पर मुझे भी लग गई, तुझे वो शर्म नहीं है क्या, हंसरी और ऊपर से। हाँ हमारा ठीक है, अलग अलग ब्लॉक होती है, मतलब सबके यहाँ खाना होता है, ये अलग है, मतलब दूसरी साइड अलग लोगों का होता है, सबका मतलब बुक होता है यहाँ पे ठीक है। अब हम जा रहे हैं वापस, पता क्या लाइटनिंग थोड़ी कम है ना, इसमें थोड़ा ब्लर 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 दिख रहा है, बाकी तो यहाँ पे खाना बनता है ठीक है, जो भी है सब कुछ यहीं पे बनता है। देखो यहाँ भाटी बन रही है, यहाँ पे कढ़ी बन रही है ठीक है, यहाँ खाना बन रहा है। तो अनीता फिर कैसा लगा जिम के? सच्ची बता रही हूँ, बहुत अच्छा लगा, है ना, मजा आया ना, मस्त मजा आया। कैसा लगा जिम के, मजा आया? टीम साथ में होती है ना तो मजा आता है ना। आयुषी हमने सुबह जिम लिया था, अभी हमने, ये है बेस्ट जोड़ी गीता जी और राम जी की। आयुषी नजर मत लगा, और मैं क्यों नजर लगाऊंगी, क्या हो रही है, मैं बेस्ट जोड़ी पहले नजर मत लगा, मैं क्यों लगाऊंगी नजर। और अनीता एक बार जिमने का मतलब बताइए, जिमना क्या होता है, मतलब राजस्थानी वर्ड में जिमना मीन्स मतलब खाना खाना, जहाँ पे जो प्रोग्राम होता है ना उसको मतलब राजस्थानी में अपन जैसे किसी के ऐसे बोलते हैं कि हम वहाँ पे पार्टी में जा रहे हैं, तो हम बोलते हैं जिमने जा रहे हैं, ठीक है आप फोटो खींचो मेरे सब। तो फिर अब हम जा रहे हैं सब अपने अपने घर। गीता जी बताओ, मेरे को बहुत अच्छा लगा इसी आज, मजा आया, जिमना खा के तो मजा ही आता है। गीता जी राम जी खाने चले गए क्या? राम जी बताओ कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके, और खाना भी बहुत स्वादिष्ट था, है ना, मजा आया मेरे को, मेरे को खासकर चूरमा ज्यादा पसंद था। मैं दिखाती हूँ, ये है अनिल जी, सुमन के हस्बैंड, ये है सुमन। तो आज का व्लॉग अच्छा बन गया, जोड़े पे सारे जोड़े आए हैं यहाँ पे ठीक है, और एक एक अपना जोड़ा घर पे ही भुलाई, आलू के पराठे बनाओ बोल रही है मेरे लिए। मतलब कि मतलब इसने मतलब यहाँ जिंदा भी है बेचारे, उनको आलू के पराठे खाएंगे, अच्छी बात नहीं है। आएंगे ना वो लोग, इसमें बोलते सब कैमरे में कैच। अब बता गुंजन कुछ बता, ये पूछ रहे थे कि कौन सा मंदिर है जिसके रोप से जा रहे हैं, तो वो रोप आ रही, वो आ रही थी ट्रॉली, तो मैंने बोला वो रही, तो बोले अच्छा वो हाथ करके उधर बता रहे, मैंने बोला ऐसे रात को हाथ नहीं करते, मतलब मंदिर की तरह होती है इधर। नहीं नहीं अच्छा अच्छा समझ गया, टाइम में हाथ को ऊपर करके अपने ऐसे इशारा नहीं करते, मतलब किसी के साइड ऐसे हाथ करके या फिर आ जा, जैसे मंदिर की तरफ भी नहीं करा, जैसे इस टाइम पे खासकर हनुमान जी के मंदिर पे तो समझी, ये मैं इतनी लंबी हूँ ना तो इनके तरफ कैमरा ऐसे करना पड़ता है। ऐसी दीदी बोलो, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बालाजी। ओए मैं क्या बोल रही थी, अब ढूंढ हमारे इसमें ना आपको ढूंढ ढूंढ के ज्ञानी मिलेंगे ठीक है, बट बोल रहे थे वो लक्ष्मी जो उसकी साथ है, आज 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 गिरा था ना आप धड़ाम से, लेकिन जो ए अनीता ज्ञानी तो यहाँ सब मिलेंगे, लेकिन सबसे बड़ा ज्ञानी ये है,
कसम से इनके पास ज्ञान लेने बैठो ना तो पूरी रात खत्म हो जाए। क्या लग रही है, लेना चाहिए ना आज तो। सॉरी पता क्या नहीं, मैं लंबी हूं ना तो मेरे को नीचे करना पड़ता है यार कैमरा। बड़ों से लेना चाहिए ज्ञान है हमेशा। ठीक है गीता जी। ओके गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।